प्रदेश सरकार की वादा खिलाफी को लेकर 9 मार्च को भाजपा आंदोलन करने जा रही है। वहीं पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह के निर्देश पर पूरे प्रदेश के जिला मुख्यालयों पर भाजपा कार्यकर्ता आंदोलन करेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आज भोपाल में अपनी सरकार के 70 दिन का कामकाज का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीएम कमलनाथ ने कहा है कि हमने 70 दिन के शासन में वचन पत्र में किए गए 83 वादों को पूरा किया है। लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में विकास कार्यों का श्रेय लेने के लिए नेताओं के बीच होड़ लगी हुई है और इसी कड़ी में भोपाल में स्थित विवेकानंद थीम पार्क का उद्घाटन दो बार कर दिया गया। पहले भाजपा विधायक विश्वास सारंग ने इस पार्क का उद्घाटन किया और उसके ठीक दो दिन बाद ही कमलनाथ सरकार ने इसी पार्क का शुभारंभ किया। राज्य के गृह मंत्री बाला बच्चन पुलिस महकमे की क्लास लेने इंदौर पहुंचे। प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद पहली बार गृह मंत्री बाला बच्चन ने पुलिस महकमे की विधिवत बैठक ली है। आगामी लोकसभा चुनाव में कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा की गई तो वहीं इस दौरान पुलिसिंग सिस्टम में सुधार के लिए भी कई जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने सागर में एक कार्यक्रम के दौरान कहा है कि प्रदेश में 2 महीने पहले कांग्रेस सरकार ने किसानों को छलने का काम किया है, तो वहीं शाह ने यह भी कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया को दिखा दिया है कि भारत की सरहदों के साथ छेड़छाड़ करने का परिणाम क्या होता है। तो वहीं उन्होंने प्रदेश की कमलनाथ सरकार पर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर भी निशाना साधा।